हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपके लिए यूपी TSSC ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा 2018 से संबंधित टेस्ट पेपर चला रहा हूं और आज मैं लेकर आया हूं आपके परीक्षा से संबंधित उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे जो उत्तर प्रदेश GK से रिलेटेड हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, इनमें 15 क्वेश्चन हैं और बाकी के 15 क्वेश्चन मैंने पार्ट वन में डिस्कस किए हैं। ये पार्ट टू है, इसमें से मैं 15 से स्टार्ट होगा और 30 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। टोटल हमारा 30 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल से डिस्कस हो जाएगा। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के आते आते हम कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक से प्रोवाइड करेंगे और ऐसे ही टेस्ट पेपर चलाते रहेंगे अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे टेस्ट सीरीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आज 16 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट वन ना देखा हो तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। 1 से 15 नंबर तक क्वेश्चन वहाँ डिस्कस किया गया है और पार्ट टू में 16 से 30 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, 16 नंबर क्वेश्चन हमारा, बौद्ध धर्म की व्रजयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है बुंदेलखंड, बी सारनाथ, सी इलाहाबाद, डी मथुरा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हर वीडियो में मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड रुकता हूँ, उस 5 सेकंड में आपको खुद से आंसर चूज करना होता है। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा और आपको वीडियो के एंड में बताना है कि आपके टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही गए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बी सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? ऑप्शन ए 1937, बी 1935, सी 1856, डी 1961। फ्रेंड, 17 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में 1897 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ? ऑप्शन ए लखनऊ, बी मेरठ, सी इलाहाबाद, डी कानपुर। अट्ठारह नंबर का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है बी मेरठ। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? ऑप्शन ए 27 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, सी 6 दिसंबर 1950, डी 21 मार्च 1947। फ्रेंड्स, 19 नंबर का राइट आंसर है बी 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी चौधरी चरण सिंह, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड, 20 का राइट आंसर है डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ? ऑप्शन ए 9 जुलाई 1925, बी 16 फरवरी 1925, सी 15 अगस्त 1925, डी 25 अगस्त 1925। तो फ्रेंड्स, 21 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो है डी 25 अगस्त 1925। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1194 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1205 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1188 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1199 ईस्वी में। 22 नंबर क्वेश्चन कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो 22 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है ए 1194 ईस्वी में।
नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1529 ईस्वी में, बी 1554 ईस्वी में, सी 1527 ईस्वी में, डी 1524 ईस्वी में। 23 नंबर का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है सी 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? ऑप्शन ए 1529 ईस्वी, बी 1526 ईस्वी, सी 1530 ईस्वी, डी 1522 ईस्वी। फ्रेंड्स ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आयोग द्वारा बार बार पूछे गए हैं प्रश्न पत्र में, और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, रिवाइज करना है, नोट करना है, इसकी शॉट ले लीजिए रिवाइज करने के लिए, और टेस्ट पेपर देते रहे हमारे चैनल पर, हम टेस्ट हर टॉपिक का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड ज़्यादा देर न करते हुए इस 24 नंबर का राइट आंसर बता रहा हूँ मैं। 24 का राइट आंसर जो है वो है बी 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1605 ईस्वी में, बी 1627 ईस्वी में, सी 1598 ईस्वी में, डी 1650 ईस्वी में। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है सी 1658 ईस्वी में। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फतेहपुर सिकरी, बी लखनऊ, सी जैनपुर, डी आगरा। तो फ्रेंड 26 का जो राइट आंसर है वो है ए फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट हमारा है 27 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चौकड़ी स्तूप कहाँ स्थित है? ए इलाहाबाद, बी गोरखपुर, सी कौशाम्बी, डी सारनाथ। 27 का फ्रेंड जो राइट आंसर है वो है डी सारनाथ में। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 28 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? ऑप्शन ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी शुंग काल, डी कुषाण काल। फ्रेंड्स 28 का जो राइट आंसर है वो होगा आपका सी शुंग काल के। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। इसका राइट आंसर जो होगा 29 का वो होगा डी आगरा में। नेक्स्ट है हमारा और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? ऑप्शन ए कनिष्क, बी समुद्रगुप्त, सी अशोक, डी बिंदुसार। तो फ्रेंड जो 30 का लास्ट राइट आंसर है वो है सी अशोक। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ उत्तर प्रदेश जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स ऐसे ही मैं पार्ट 3 भी अपलोड करूंगा जल्दी ही, और ऐसे ही हर कई टॉपिक के मैंने टेस्ट पेपर चलाए हैं वो भी जाके आप देख सकते हैं, बाकी के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से बाकी टेस्ट पेपर दे सकते हैं। और वीडियो के एंड में आप जरूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही गए। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे टेस्ट सीरीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।